हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अच्छा बट वेल्थ। भाई आज हमारे पास है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा, और इस वाले वीडियो को बनाने के लिए मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे चौगले इंडस्ट्रीज़ मारुति सुजुकी अरीना में। शोरूम के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये वाली जो मॉडल है ना, ये आपकी CNG वाली मॉडल है VXI में। और भाई मारुति ना भाई लोगों की काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने इंडियन कस्टमर्स का काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखता है। और भाई जानता था यहाँ पे कि भाई CNG वाली वेरिएंट को लॉन्च करना उनके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है और हमारे इंडियन कस्टमर्स के लिए भी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो उस वजह से मारुति ने यहाँ पे CNG वेरियंट लॉन्च कर दी। और ये वेरियंट आपको बस VXI में ही नहीं मिलती है, आपको इसमें LXI में भी CNG मिलने वाली है, VXI में भी मिलने वाली है, एंड ZXI में भी आपको मिलने वाली है। अब नॉर्मल अगर विटारा ब्रेजा से अगर मैं इसे कंपेयर करें तो पेट्रोल वाले से इसमें आपको ऑलमोस्ट 95,000 ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। एंड ऑलमोस्ट आपकी इस वाली जो VXI वाली वेरिएंट है इसमें आपको 10.50 लाख की जो एक्सट्रीम प्राइसिंग है वो पड़ती है, एंड स्टेट टू स्टेट जो प्राइसिंग है वो वैरी करती रहती है। बाकी ओवरऑल सारे प्राइजेस आपको यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, तो आप वो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो आज हम इस वाली गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए या फिर क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, पुरानी वाली वेरिएंट से ये वाली वेरिएंट आपको कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं गाड़ी के वॉक अराउंड से। एंड भाई लिटरली मैं इस वाली वेरिएंट में ना, जब ये वाली ब्रेजा लॉन्च हुई थी तो भाई लोग काफ़ी सारे ऐसे मतलब क्वेरीज आ रहे थे, लोगों की काफ़ी सारी ऐसे डाउट्स थी कि भाई कैसी लगेगी ये वाली गाड़ी या फिर ओवरऑल रोड प्रेजेंस इस वाली गाड़ी का कैसा होगा। तो वो सारी चीज़ें जो जब ये गाड़ी लॉन्च हुई तो लोगों की ये गाड़ी की जो लुक्स है, जो डिज़ाइन है, ओवरऑल जो फीचर्स और जो माइलेज वगैरह ये सारे कुछ क्लेम कर रही है कंपनी, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पसंद आने लगी। एंड यहाँ पर ये वाली जो ब्रेजा ना, ये इंडिया की द मोस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट SUV मानी जाती है, और वो है भी, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जस्टिफाई भी करती है। फ्रंट लुक के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करें तो भाई फ्रंट लुक इस वाली गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा सही हो गई है पुराने वाले वेरिएंट से। काफ़ी आपकी जो चौड़ी जो एक लगती है गाड़ी वो है, एंड जो रोड प्रेजेंस है ना गाड़ी का वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। मतलब भाई लुक्स के मामले में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। एंड भाई मारुति सच में काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने लुक्स पे काम कर रहा है, फीचर्स पे काम कर रहा है, ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है उसको भी यहाँ पे जो मारुति है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको हेडलाइट्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको प्रोजेक्टर सेटअप के साथ आती है। मतलब नीचे वाले वेरिएंट सही, लो वेरिएंट सही, या हाई वेरिएंट आप ले लो तो उसमें आपको प्रोजेक्टर सेटअप वाली हेडलाइट मिलेगी। यहाँ पे आपको हेलोजन सेटअप के साथ इसके जो प्रोजेक्टर लेंस वो मिलने वाले हैं, हेलोजन आपको पार्किंग बल्ब मिलती है, हेलोजन आपकी जो इंडिकेटर्स है वो मिलती है। इसमें आपको कोई भी फॉग लैंप नहीं लगा हुआ, आप एज ए नेसेसरी यहाँ से ही आप मारुति सुजुकी से ही आप लगा सकते हो, जो कि आपकी LED वाली आती है और वो काफ़ी खूबसूरत जो लुक है वो गाड़ी को यहाँ पे देने वाली है। अब यहाँ पे ग्रिल के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे बड़ा सुजुकी का लोगो आपको यहाँ मिलता है, क्रोम इंसर्ट्स आपको मिलते हैं फ्रंट ग्रिल पे। एंड ओवरऑल जो फ्रंट बम्पर है, जो क्लैडिंग है, जो ब्लैक कलर की आपको जो ये जो एलिमेंट देखने को मिल रही है, ये काफ़ी अच्छा है जो रोड प्रेजेंस है गाड़ी को वो दे रहा है, काफ़ी बोल्ड जो लुक है गाड़ी को वो यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। एंड इन पर्सन अगर आप देखोगे तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये थोड़ा ओवर कर दिया गया है, तो मिला जुला के जो लुक्स है ना फ्रंट से वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसकी जो फ्रंट लुक है वो आपको यहाँ पे कैसे देखने को मिलती है। अब जल्दी बढ़ते हैं गाड़ी के साइड व्यू की तरफ। एंड भाई साइड व्यू भी इस वाली गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी जो बॉक्सी जो डिज़ाइन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई गाड़ी अच्छी खासी आपकी जो लंबाई है सब 4 मीटर आपकी कॉम्पैक्ट SUV में है, तो 3995 mm की जो गाड़ी की लेंथ है ओवरऑल वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं अंदर की स्पेस को भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे जस्टिफाई करती है। काफ़ी अच्छा खासा आपको अंदर में जो स्पेस है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ थी कि जब गाड़ी लॉन्च हुई थी, जब शोकेस्ड हुई थी, तो बहुत लोगों की ये कंप्लेन थी या बहुत लोगों की ये डाउट थी कि जो ये जो क्लैडिंग आप देख पा रहे हो ना, जो फ्रंट से लेके एंड तक जा रहे हैं, ये क्लैडिंग कैसी लगेगी इन पर्सन। बट ऐसा नहीं है, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई ना भाई, तो तब से लेके अभी तक में गाड़ी की ओवरऑल जो लुक्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को अच्छी लग रही है। एंड जो ये जो क्लैडिंग है ना, आपको कहीं पर भी ऐसा कोई भी मतलब ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जो कि भाई बोल रहे, कंप्लेन कर रही है क्लैडिंग की, भाई यहाँ पर क्लैडिंग नहीं होना चाहिए था या कुछ और होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली क्लाइडिंग आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे मैच कर रही है गाड़ी की ओवरऑल जो एक जो स्टैंस है उससे काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे आपको गन मेटल ग्रे कलर की आपकी जो व्हील कवर है वो लगी हुई है। एंड एक चीज़ और अच्छी है कि इसमें आपको अक्रॉस द वेरिएंट आपको जो व्हील साइज़ है वो आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलता है। एंड यहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे व्हील साइज़ के बारे में, यहाँ पे आपको 215/60R 60 inches की जो व्हील साइज़ है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको व्हील जो क्लैडिंग है वो देखने को मिलती है, जो कि स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक जाती है। एंड वहीं अगर बात करें यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, क्यों तो ये क्योंकि ये आपकी एक कॉम्पैक्ट SUV है और यहाँ पे आपको जो SUV वाला थोड़ा स्टैंड है वो यहाँ पे मिलने वाला था। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको 198 mm की गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है
वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे से जस्टिफाई करती है इंडियन रोड्स के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं। इवन अगर आप इस गाड़ी को कहीं ऑफ रोडिंग वगैरह में भी लेके जा रहे हो, कहीं ऊबर खाबर रोड पे भी लेके जा रहे हो, तो आपको एज सच कोई भी यहाँ वहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं कि भाई गाड़ी में नीचे लग जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो एक बात है। बाकी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पे आपको देखने मिलने वाला है रियर साइड व्यू मिरर पे। एंड एक जो अगर बात करोगे एक फ्लोटिंग रूफ वाला हल्का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे आपको इस तरह पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं साइड व्यू से भी अगर आप इस गाड़ी को देख रहे हो तो साइड व्यू से भी इस गाड़ी की जो लुक्स है वो काफ़ी यहाँ से अच्छे निकल के आ रही है। चलिए चलते हैं गाड़ी के रियर के साइड में, और रियर से भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे बना के रखी गई है। एंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा आपको जो रियर है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिला है। यहाँ पे आपको बड़ी सी जो ब्रेज़ा BREZZA ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि भाई ये वाली गाड़ी आपकी सच में भाई लिटरली एक चीज़ तो मुझे अच्छी लगी। भाई देखो मारुति जब बोलता है ना कि हम गाड़ी को अपडेट कर रहे हैं, तो भाई अपडेट वो दिखता है कि हाँ भाई यहाँ पे गाड़ी को अपडेट करा गया है। बाकी उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपकी ये वाली जो पार्ट है ना, ये पार्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इसके जो लाइट्स हैं, खासकर जो टेल लाइट्स वगैरह वाला जो पार्ट है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। जब आप इस गाड़ी को इंग्लिश ऑन करोगे तो ये आपके एज अ DRL काम करती है, ब्रेक टाइम पे आपकी ये वाली लाइट जलती, तो वो काफ़ी अच्छा एक जो लुक है गाड़ी को रियर से वो अच्छा खासा आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको बैक लैम्प मिलती है, इंडिकेटर्स आपको सारे हैलोजन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। इसमें आपको क्योंकि VXY वाली वेरियंट है तो इसमें आपको कोई भी जो पार्किंग कैमरा है वो नहीं मिलते, बट हाँ यहाँ पे आपको सेफ्टी के बारे में या कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, जो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। एंड ओवरऑल जो रियर बम्पर की जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ से निकल के आ रही है। ये ओवरऑल जो बम्पर क्लैडिंग्स वगैरह वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे पुट ऑन करे गए हैं और मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ओवरऑल आपको ये वाली जो लुक है वो कैसी लग रही है। बाकी स्पॉइलर पे आपको जो हाइट स्टॉप माउंट लैंप है वो यहाँ देखने को मिलता है। चलिए इसकी जो बूट है उसे खोल के यहाँ पे देखते हैं कि आपको कैसा आपको बूट स्पेस मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो CNG है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप बूट स्पेस के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ओवरऑल अगर बूट स्पेस को हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा जो डिसेंट बूट साइज़ है वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। जो सॉफ्ट जो बैग्स होते हैं वो यहाँ पे आप आराम से रख पाओगे, बाकी बड़ी जो लगेज है वो आप यहाँ पे नहीं रख सकते हो। एंड एक चीज़ मुझे अच्छी लगी ना कि इसमें जो CNG का जो टैंक है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करा गया है। यहाँ पे आप पार्सल ट्रे देख सकते हो, मतलब कहीं से आपको ऐसा एक्सपोज नहीं है, तो ये एक चीज़ अच्छी है। एंड इसमें CNG वाले में आपको एक और चीज़ है कि आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक बल्ब भी है, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉनिकली वो कट ऑफ होता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि आपको मैनुअली वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर बात करें CNG किट के बारे में, तो यहाँ पे आपको 55 लीटर्स की जो CNG की जो टैंक है वो यहाँ पे लगी हुई है। एंड CNG भरने का आपको जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि अगर आप मारुति मतलब जो स्विफ्ट आती है उसमें देखे होगे तो यहाँ पे आपको एक एक्सपोज्ड किया रहता है, बट इस वाले में आपको ऐसा नहीं है। इस वाले में आपको जो CNG किट है कि जो आपकी जो फिलिंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लेस करेगी, एंड वो यहाँ पे आपको दी गई है इसके पेट्रोल टैंक के जस्ट बगल में। ये एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि भाई कहीं से भी ये एक्सपोज नहीं है। एंड यहाँ पे आपको सेफ्टी भी जो पिन है वो दी गई है कि जब तक ये वाली टैंक आपकी ये वाली जो ढक्कन है आपकी जब तक बंद नहीं होगी तब तक ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वही अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो भाई ओवरऑल जो बूट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम हो गई है। एंड अगर नॉर्मल ब्रेज़ा को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको 350 लीटर की आपको जो बूट स्पेस है वो मिलती थी, बट यहाँ पे आपको एज सच कोई भी मतलब उतनी ज़्यादा बड़ी बूट स्पेस नहीं है आपको होला। हालांकि यहाँ पे आपको कुछ छोटे मोटे सामान टांगने के लिए आपको जो हुक्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी चलिए बंद करते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल जो टेल गेट है उसे। एंड भाई टेल गेट काफ़ी अच्छा खासा आपकी जो हैवी है वो यहाँ पे भाई सेफ्टी के मामले में और जो बिल्ड क्वालिटी उसके मामले में अगर बात करें तो यहाँ पे मारुति ने भाई काम तो करा है, ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। बाकी यहाँ पे चलिए चलते गाड़ी के अंदर, उसके पहले बात करते हैं इस वाली गाड़ी की जो डोर्स हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको प्रॉपर ब्लैक कलर की जो गाड़ी की जो डोर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको सॉफ्टेस्ट दिया गया है इस वाले पार्ट पे, एंड यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर जो विंडोज़ है वो मिलने वाले हैं। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर की जो सीट है उसे देखते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ में देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर में, एंड जो फ्रंट सीट है ना वो मेरे हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लेगरूम है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। एंड सीटिंग कंफर्ट के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करें तो मुझे एज सच कोई भी यहाँ पे कंप्लेंस नहीं है। अंतर्थाइट सपोर्ट भी अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे है, आपको काफ़ी अच्छा सपोर्टिव आपको जो अंतर्थाई है वो मिलने वाला है। कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिलते हैं, एंड यहाँ पे आपको कोई भी चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया गया है, बट हाँ अगर आपको मन है तो आप एज अ नेसेसरी यहाँ पे आप लगा सकते हो।
तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको हेलोजन जो लाइट्स है वो मिलते हैं। एंड वही बात करें यहाँ पे हम अपने हेडरूम के बारे में, तो भाई हेडरूम आपको काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे जो हेडरूम है वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। एंड मतलब आराम से जो बड़े लोग, जो बड़े हाइट के लोग हैं वो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, उन्हें कोई भी सच यहाँ पे हेडरूम के हिसाब से कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी जो हैंड रेस्ट है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको हेड रेस्ट मिलते हैं। चलिए चलते हैं फ्रंट ड्राइवर सीट पे, बट कुछ ऐसा दिखता है आपको इसका फ्रंट का जो डैशबोर्ड है वो, आप ओवरऑल जो एक आइडिया ले सकते हो। ऑल ब्लैक आपको जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो भाई यहाँ पे बात करते हैं पहले इसके ड्राइवर डोर के बारे में। तो यहाँ पे तो आपको सारे पावर विंडो के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। ड्राइवर साइड वन टच अप एंड डाउन वाला जो सिस्टम है वो आपको दिया गया है। एंड यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स आपको मिलते हैं, 1 लीटर का बॉटल, छोटी मोटी जो आपकी चीज़ें वो यहाँ पे आप रख सकते हो। एंड इस वाली गाड़ी में आपकी जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें आपको 4 स्पीकर और 2 ट्यूटर का आपको जो ऑप्शन है वो मिलता है। एंड वहीं बात करें यहाँ पे ड्राइविंग सीट के बारे में, तो यहाँ पे आपकी जो ड्राइविंग सीट है वो आपकी हाइट एडजस्टेबल एंड रिक्लाइनर आपको दोनों यहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर पे। एंड ओके, सो यहाँ पे आ चुके हैं हम गाड़ी के अंदर। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई देखो सीटिंग कंफर्ट में ना मुझे कोई यहाँ पे कंप्लेन नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग सीट की भी जो अगर हम कंफर्ट के बारे में बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो आपकी अंदर थाइट सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे निकल के आ रही है। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा इसका जो सीटिंग कम्फर्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो स्टीयरिंग व्हील है वो फ्लैट बॉटम में स्टीयरिंग व्हील मिलता है। एंड काफ़ी अच्छा खासा आपकी जो यहाँ पे कमांडिंग जो आपकी पोजिशन है वो यहाँ पे रहने वाली है। एंड काफ़ी अच्छा आपको जो कमांड है वो रोड पे अच्छा खासा आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपकी जो फोन के कंट्रोल से वो मिलते हैं, यहाँ पे आपको ऑडियो के कंट्रोल से वो यहाँ पे आपको दिए गए, हॉर्न दिया गया है। एंड काफ़ी अच्छा खासा इसकी जो क्लस्टर है वो भी लगती है, इसमें आपको एनालॉग क्लस्टर आपको यहाँ पे मिलती है। एंड कुछ ऐसी मिलती है इस वाली गाड़ी की चाबी, नॉर्मल सी चाबी आपको सारे मारुति की गाड़ियों में ऐसी आपको चाबी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया है। एंड सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ऑन करने का स्विच है। एंड यहाँ पे आपकी जो पेट्रोल और सीएनजी पे अगर आप स्विच करना चाहते हो तो यहाँ पे इस वाले बटन को दबा के आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपकी हेडलाइट की लेवलर की जो स्विच है वो मिलते हैं। एंड एक चीज़ और अच्छी लगी मुझे कि भाई ओवरऑल एक जो फील है ना यहाँ पे अंदर में गाड़ी के अंदर बैठने का, वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे निकल के आ रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो काफ़ी अच्छा जो पैटर्न है, जो अटेंशन टू डिटेल है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बाकी यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो स्पीडोमीटर कंसोल है, यहाँ पे आपको टैकोमीटर देखने को मिलता है। इस साइड में आपको जो स्पीडोमीटर है वो देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे इस साइड में जो सारी डंडी आपको दिख रही है ये आपकी पेट्रोल वाली है। एंड इस साइड में जो आपकी सारी दिख रही है ये आपकी सीएनजी वाली है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे इस वाले बटन को क्लिक करोगे, इस वाले बटन को आप दबाओगे, तो वहाँ से आपकी ये वाली जो गाड़ी है ये अभी पेट्रोल पे आ गई है। एंड जैसे दोबारा दबाओगे ये वाली जो गाड़ी है ये आपकी सीएनजी में शिफ्ट हो जाएगी। एंड इसमें भाई सीएनजी होते हुए यहाँ पे आपको जो क्लेम है वो आपको 25.5 लीटर के एमपीएल का जो माइलेज है वो यहाँ पे क्लेम करी गई है, पेट्रोल का अगर मैं यहाँ पे हटा के बात करें तो। एंड भाई जो कि काफ़ी अच्छा नंबर्स है अगर आप देख रहे हो तो, एंड इंडियन रोड के हिसाब से भी अगर आप देख रहे हो तो, अगर मान लो अगर ये 25 नहीं भी देता है, अगर ये आपको 23-24 भी देता है ना, तो वो भी काफ़ी अच्छी माइलेज यहाँ पे मानी जाएगी। एंड भाई देखो जो माइलेज है वो ड्राइविंग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे गाड़ी चला रहे हो उसके ऊपर करता है। तो अगर आप गाड़ी को अच्छे से चलाओगे तो हो सकता है आपको ये गाड़ी और अच्छी माइलेज यहाँ पे निकाल के दे। बाकी सेंटर कंसोल के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको 7 इंच का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो दिया गया है, जिसके अगर टच रिस्पांस के बारे में बात करी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिसेंट रखी गई है। एंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जो एसी है वो यहाँ पे मिलती है, जो कन्वीनियंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है। यहाँ पे आपको एसी के जो वेंट्स है वो मिलते हैं, यहाँ पे आपको हजार लाइट की स्विच है वो मिलती है। एंड ये वाली जो आप एलिमेंट देख रहे हो ना, जो ऑलमोस्ट जो गन मेटल ग्रे आप जिसे बोल सकते हो, डार्क ग्रे जिसे आप बोल सकते हो, तो ये मेटल ये जो एलिमेंट ये ऑल द वे वहाँ से लेते हुए यहाँ तक आती है, तो एक अच्छा खासा आपको जो फील है वो यहाँ पे मिलता है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड का जो ट्रांसमिशन है वो मिलती है, मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे इस तरफ पे आपको इसमें 12V का जो चार्जिंग सॉकेट है वो मिलने वाला है। एंड इस तरफ पे आपकी जो USB है तो वो मिलने वाली है। एंड इस ये वाली जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सब सारे कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको छोटी मोटी जो स्पेस है वो दी गई है, बॉटल होल्डर से यहाँ पे दिए गए, हैंडब्रेक दिया गया। एंड यहाँ पे भी आपको छोटी मोटी स्पेस दी है जिसमें आप छोटे मोटे जो चीज़ें वो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। ग्लव बॉक्स के बारे में बात करी जाए, जो साइज है ग्लव बॉक्स की वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें सनशेड के बारे में तो उसकी यहाँ पे आपको कोई लाइट्स नहीं मिलते, बट वैनिटी मिरर आपको यहाँ पे मिलती है। अगर इस साइड में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी आपको कोई वैनिटी मिरर या कोई लाइट्स वगैरह नहीं मिलते हैं यहाँ पे।
इसको मैं एक सेकंड यहाँ रख देता हूँ। ओके, यहाँ पे बात करी जाए रियर व्यू मिरर के बारे में, तो यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्टेबल जो रियर व्यू मिरर है वो यहाँ पे दी गई है। एंड भाई एक चीज़ तो अच्छी है कि भाई देखो बहुत सारी ऐसी गाड़ियों में होते हैं ना कि ये वाली अगर आप जो पार्ट देख रहे हो ना, ए पिलर जो होती है, इस वजह से ना बहुत लोगों को दिक्कत होती है, मतलब वो जो ब्लाइंड स्पॉट है ना वो क्रिएट हो जाता है। बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो कमांडिंग पोजिशन आपको यहाँ मिलती है ना, तो आपको हर एक चीज़ काफ़ी अच्छे से यहाँ पे से विजिबल है। अगर आप यहाँ से ऐसे देख पा रहे हो तो काफ़ी अच्छा खासा आपको जो विजिबिलिटी है वो यहाँ पे दिखने को मिलने वाला है रोड पे। एंड गाड़ी को चलाते टाइम मुझे नहीं लगता कि ऐसे आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत मिलने वाली है। अब चलिए चलते हैं इस गाड़ी की जो और जो इंजन है उसे देखते हैं। तो यहाँ से खोल लेते हैं पहले इंजन को। तो भाई यहाँ पे ना अच्छा खासा आपको जो भारी जो बोनेट है वो यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इंसुलेशन दिए गए हैं। एंड ये आप देख रहे हो के 15 सीरीज थर्ड जनरेशन का इंजन, 1500 सीसी की जो इंजन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, 4 सिलेंडर इंजन। तो रिफाइनमेंट के बारे में अगर आप देख रहे हो तो भाई रिफाइनमेंट इस वाली गाड़ी की सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इतना ज़्यादा साइलेंट केबिन जो आपको अंदर मिलने वाला है ना कि भाई वो अलग लेवल है। एंड मेरे हिसाब से इस सेगमेंट की ना सबसे ज़्यादा रिफाइंड इंजन अगर मैं बोलूँ तो वो यही वाले इंजन है जिसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पे बात करी जाए पावर फिगर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको 101 BHP की जो पावर है वो आपको देने वाली है पेट्रोल मोड पे। एंड अगर आप इसे CNG वाले पे शिफ्ट करोगे तो 87 BHP की जो पावर है वो आपको निकाल के देने वाली है। अगर टॉर्क आउटपुट के बारे में बात करी जाए तो 121 Nm की जो टॉर्क है वो आपको देने वाली है CNG पे, एंड 137 Nm की जो टॉर्क है वो आपको देने वाली है पेट्रोल पे। तो ओवरऑल अगर आप देख पा रहे होगे तो इसकी जो इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपकी जो CNG की जो ओवरऑल जो किट है वो यहाँ पे लगी हुई है। एंड इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो स्टैंडर्ड फीचर्स है, जो सेफ्टी फीचर्स है वो भी यहाँ पे दी गई है। तो एक अगर इंडियन रोड इंडियन कंडीशंस के हिसाब से इंडियन कस्टमर के हिसाब से अगर आप देख पा रहे होगे तो ओवरऑल आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे इस वाले वेरिएंट में आपको मिलती है। एंड एक चीज़ कहना ये नहीं होगा, गलत नहीं होगा कि ये वाली जो वेरिएंट है ये द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है वो मिलती है। हालांकि जो LXi वाली वेरिएंट है उसमें बस आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो नहीं मिलता, बाकी ओवरऑल सारे जो लुक्स है जो फीचर्स है ओवरऑल सारे कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। बट यहाँ पे ये वाली जो वेरिएंट है मुझे वैल्यू फॉर मनी लगती है VXi वाली जो वेरिएंट, क्योंकि इसमें आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मिलती है। चलिए पहले बंद कर लेते इस वाली बैनर को, एंड ओवरऑल जो एक फाइनल ओपिनियन है मेरा ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो यहाँ पे अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी फाइनल ओपिनियन। तो भाई देखो मेरे हिसाब से जिस प्राइस पे ये वाली गाड़ी आ रही है, मतलब ऑलमोस्ट 10.50 लाख की जो प्राइसिंग है एक्स्ट्रा रूम पड़ती है, तो अगर उस हिसाब से अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए आपको माइलेज अच्छी देखने को मिलती है, आपको ओवरऑल जो एक डिसेंट जो फीचर पैक है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। जो ओवरऑल जो सेफ्टी फीचर्स के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेफ्टी फीचर्स भी अगर आप देख रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो डिसेंट पैकेज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। माइलेज आपको ज़्यादा काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। भाई देखो एक टाइम था जब डीजल वेरिएंट्स आते थे और डीजल वेरिएंट में आपको काफ़ी अच्छा माइलेज क्लॉक करके देती थी, बट अब डीजल जैसे जैसे कंपनियां जो अपनी डीजल गाड़ियां उसे बंद कर रही है, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास है ऑप्शन वो है पेट्रोल ही। एंड उसके साथ यहाँ पे मारुति अपने इंडियन कस्टमर को समझते हुए यहाँ पे आपको CNG वाली जो वेरियंट है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है। एंड ओवरऑल अगर माइलेज को देख रहे हो तो भाई 25.5 KMPL की जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम कर रही है। एंड मुझे पता है कि अगर आप इस गाड़ी को काफ़ी अच्छे तरीके से आप ड्राइव करोगे तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे माइलेज है वो यहाँ पे आपको निकाल के देने वाले। तो माइलेज के हिसाब से आपको यहाँ पे कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। बाकी बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करें तो भाई पहले से इम्प्रूव हुई है गाड़ी बिल्ड क्वालिटी में, ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ओवरऑल एक जो आपको जो फील है लाइक इसकी जो अगर आप बूट्स को अगर आप खोलोगे या ओवरऑल जो गेट वगैरह आपको खोलोगे बंद करोगे तो ओवरऑल जो आपको फील है ना आपको काफ़ी अच्छा एक रगेड जो फीलिंग है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो मिला जुला के अगर आप देखोगे तो आई विल रियली सजेस्ट कि आप एक बार शोरूम जाओ इस गाड़ी को ड्राइव करो और अपनी जो ओपिनियन है वो वहाँ पे आप रखो। बाकी मेरे हिसाब से आप ये वाले गाड़ी के साथ जा सकते हो। वेल दिस वाज द वीडियो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद होगा। वीडियो पसंद हो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें, चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना गाइस, मैं वहाँ पे डेली अपडेट्स देता रहता हूँ। तब तक के लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ, दिस इज मोटिवेट साइनिंग ऑफ।